बाढ़ में नष्ट हो गए हैं जमीन के कागजात तो घबराए नहीं, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को दी बड़ी राहत। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच बाढ़ से कई जिले प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के कारण जमीन सर्वे का काम भी प्रभावित हो रहा है। बाढ़ से प्रदेश के करीब 16 जिले प्रभावित हैं। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कई लोगों ने बाढ़ के पानी में जमीन के कागजात नष्ट होने की बात कही है। बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है। राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऐसे परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी व्यवस्था अब सरकार करेगी। राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के जिन जमीन मालिकों के कागजात नष्ट हो गए हैं वे परेशान न हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे तमाम रैयतों को कागजात उपलब्ध करवाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार का ये फैसला प्रदेश के बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लेकर लिया गया है। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जमीन सर्वे में राहत मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि प्रदेश के कई जिलों में अचानक बांध टूटने से पानी आया था, कई लोगों के घर इस बाढ़ में ही बह गए। जो जिले बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, गोपालगंज, सारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा का नाम शामिल है। इन जिलों को राज्य सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है। जिन जमीन मालिकों के डीड या अन्य कागजात क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके कागजात अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही उपलब्ध करवाएंगे। सभी जिलों के अंचलाधिकारी को भी इस संबंध में आदेश दे दिए गए हैं। हमने जिन 16 जिलों की चर्चा की है इन जिलों में सर्वे के लिए अतिरिक्त समय और सुविधाएं भी दी जाएंगी। फिलहाल इन लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही है और बाढ़ पीड़ित तक राहत सामग्री और अन्य जरूरत के सामान पहुँचाए जा रहे हैं। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों के बीच राहत वितरण का जिम्मा अंचलाधिकारी को सौंपा गया है। यदि ये किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि अब राहत कार्यों की समीक्षा समय समय पर विभाग के स्तर से की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपके क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।